हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की वीडियो को कैसे बना सकते हो। तो गाइस, अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बनाएंगे हम काइन मास्टर ऐप से बनाएंगे। और आप काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और भी स्टेटस एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा हार्ड है, मतलब ये जो ट्यूटोरियल्स है ये थोड़ा बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, जो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको ट्रांसन लगाना है, कहाँ पे आपको कौन सा फेयर लगाना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा फोकस से देखना, तभी आप इस प्रकार की वीडियो को बना पाओगे। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, कहाँ पे कौन सा मतलब ट्रांसन एड करना, कहाँ पे कट लगाना, ये सब मैं आपको बता दूंगा सॉन्ग के हिसाब से, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए और आप बिल्कुल भी आसानी से वीडियो को बना पाओ। ओके गाइस, सबसे पहले आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में आ जाना है, फिर आपको पर सेकंड पे क्लिक करना है और यहाँ से बीच वाले साइज को सिलेक्ट करना है, जो बीच में 9:16 का साइज। फिर आपको सेटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाके फिल स्क्रीन कर देना है। अब गाइस फिल स्क्रीन करने के बाद डन करना है। ओके, डन करने के बाद यहाँ से क्या करना है, अपनी जो इमेज रहेगा उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको एक दो इमेज को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ से आपको 40-50 तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे गाइस, क्योंकि उतना कम नहीं, मतलब उतना सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो वीडियो है बनने वाला नहीं है। आप एक काम करना, एक ही फोटो को रिपीट करना, मतलब जैसे ये लिया मैंने, फिर ये लिया, इधर से ले लूँगा। ओके, और फिर इसे ऊपर जाऊँगा और इस प्रकार से एड कर लूँगा। ओके गाइस, आपको इस प्रकार से एड कर लेना ताकि आपका जो ज़्यादा इमेज हो सके। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारा इमेज सेलेक्ट किया, ये भी फिर भी कम पड़ जाएगा, देखना गाइस। तो इसको मैं पहले एडिट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और भी इमेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे तो सिलेक्ट कर लूँगा। ओके गाइस, तो देखो गाइस सबसे पहले आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, डन। आपको ये वाला वीडियो को एड कर लेना। ओके, ये म्यूजिक वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है नीचे, ये ला आपका काइन मास्टर यूज करना, फिर आप वीडियो बना पाओगे इस प्रकार से। फिर आपको स्टैक आइडियो पे क्लिक कर देना। ओके, तो गाइस फिर आपको यहाँ पे नीचे आना, और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टैक आइडियो पे क्लिक कर देना। फिर आपको ये वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये हमारा जो आइडियो रहेगा वो मतलब ऐसे ऑन सा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ऑन सा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गौर से देखना, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक करके बीच दिखाई दे रहा होगा आपके जो है, मतलब म्यूजिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें है ना, तो इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो बीच है वहाँ पे हम क्या करेंगे, कट डाल देंगे इस प्रकार से। ओके, थोड़ा बीच से है तो आप शुरू से भी लगा सकते हो इस प्रकार से, और इसमें वही करना है आपको, इस प्रकार से कट लगा देना। ओके, तो यहाँ पे आप बीट देख सकते हो, जिस प्रकार से यहाँ पे बीट दिखाई दे रहा है शुरू में, मतलब मैं शुरू में बात कर रहा हूँ, एंड में बाद में बताऊँगा कि क्या करना है, पहले यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने चार इमेज को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो है बीच में इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से इसमें बीट है। ओके, तो यहाँ पे 1.6 सेकंड पे बीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा सही से। ओके, और यहाँ से इस प्रकार से बीट होगा, मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। तो 1.6 सेकंड पे आप अपनी इमेज का लेंथ कर देना। ओके, इस प्रकार से आप करने के बाद इसका भी यहाँ से जो बीट रहेगा उस बीट पर आपको इस प्रकार से कर देना है। ओके, अब बीट पर इस प्रकार से रख लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बीट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इमेज को ट्रिम कर देंगे। ओके, और यहाँ पर भी बीट है, तो अपने आइडियो के हिसाब से यहाँ पे देख लेना, जहाँ पे बीट दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपनी इमेज में इस प्रकार से कट लगा देना। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, इस प्रकार से मैं कट लगा रहा हूँ ना, तो आपको भी इसी प्रकार से बीट पे जाना है और कट लगा देना है इस प्रकार से। ओके, तो होप कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा इस, और आप इस प्रकार से करते हो बीट पर जाके और इसको मतलब अगर ट्रिम करते हो तो शायद आपका जो वीडियो वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो हमारा बीट है बहुत ही स्पीड स्टार्ट हो जाता है। ओके यार देखो, अगर आप में ये बीट शो नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे देखो 1.6 सेकंड में रखा पहला जो लेंथ रहेगा। ओके, तो आप अपने मेरे हिसाब से यहाँ देख सकते हो, फिर दूसरा जो कट रहेगा वो रहेगा 3.4 सेकंड पे, तीसरा रहेगा 5.1 सेकंड पे या 5 सेकंड पे, उसका रहेगा 6.6 सेकंड पे। ओके, उसका जो अगला रहेगा वो रहेगा 7.4 सेकंड पे, इस प्रकार से आप सुन के देख लेना और कट लगा देना। ओके, और उसका रहेगा 8.2 पे, फिर उसे 9 सेकंड पे, इस प्रकार से आप देख लेना कट, और उसमें 9.8, उसके बाद 10 है, उसके बाद यहाँ पे 10 मतलब 10.5 जोड़ लो यार, और उसके बाद इस प्रकार से देखो 11 पर है, उसके बाद एक 12 पे है, और 11.2 पे। ओके, फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब इस प्रकार से इसको ट्रिम कर देंगे। ओके, अब गाइस क्या करना है, यहाँ जो हमारा जो ये जो बीट स्टार्ट हुआ, मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से इस प्रकार से ट्रिम कर देंगे इसको, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे अपने हिसाब से देख लेना, ट्रिम कर देना,
जहाँ पे आपका जो ऑडियो का ये जो रहेगा नहीं है जहाँ पे ऊपर उठाए तो वहाँ पे इसको इस प्रकार से ट्रिम कर देना आप, ताकि आपको जो वीडियो देखने में अच्छा लगे। ओके, तो अपने ऑडियो के हिसाब से आप ट्रिम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से मैं इस प्रकार से ट्रिम कर दे रहा हूँ इसको, आप लोग देख सकते हो। तो आप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ट्रिम कर देना अपनी ऑडियो के हिसाब से, और अपनी जो आपका जो फोटो चेंज हो रहा है उस हिसाब से आप देख लेना। ज़्यादा घटना पड़ रहा है तो ज़्यादा घटना, अगर कम घटना पड़ रहा है तो कम घटना। ओके, अब गैस यहाँ पे फिर आना है और यहाँ से इस प्रकार से मैंने कटा दिया। ओके, अब गैस क्या करना है, जो यहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 12.9 सेकेंड समझ लो, 13 सेकेंड या 12.9 सेकेंड समझ लो। अब गैस यहाँ से क्या करना है आपको, अपनी जो इमेज का लेना रहेगा ना यहाँ से पूरा घटाना है। ओके, जितना घट सकता है ना उतना घटा देना है, मैं आपको कह रहा हूँ जितना घट सकता है उतना पूरा लेंथ यहाँ से घटा देना है। जो भी इमेज रहेगा आपका, मतलब जहाँ तक बीट है मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक ऐसा रखना है, तो ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा गाइस। तो ये मैं लेंथ घटा रहा हूँ, इसका ही पूरा घटा दिया। ओके, तो देखो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ पे, मतलब 13 सेकंड से लेकर यहाँ देखो 14.2 सेकंड तक आपको क्या करना है, जो भी इमेज रहेगा आपका उसका जो लेंथ है पूरा जीरो करना है, जितना घट जाता है यहाँ पे उतना घटा देना। ओके, तो ज़्यादा तो घटता नहीं है फिर भी, मतलब देख लो आप, क्योंकि इसमें ट्रांसफर आप एड नहीं करना, ट्रांसफर पहले एड करोगे तो इसका जो लेंथ है वो पूरा नहीं घटता है, मतलब ध्यान रखना, तो इसलिए आप ट्रांसफर को एड मत करना इसमें। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ से घटा रहा हूँ उसका भी लेंथ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, ये मैंने इसको घींच के बड़ा कर रखा है इसलिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इमेज का लेंथ, नहीं तो ये इमेज का लेंथ जो बहुत ही छोटा है गाइस, तो मैंने थोड़ा घींच के बड़ा कर रखा है तो इसलिए ये थोड़ा लग रहा है कि मतलब कम है। ओके, तो इस प्रकार से देखो मेरा इमेज कम पड़ गया, तो मैं और भी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको इसी प्रकार से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब गाइस देखो मैंने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको ट्रिम भी कर दिया, यहाँ से पूरा फिर जीरो लेंथ रख के ट्रिम कर दिया। ओके, अब गाइस जीरो मतलब यहाँ पे 14.2 सेकेंड से मतलब 14.2 सेकेंड, मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। अब गाइस देखो यहाँ पे 14.2 सेकेंड से लेकर, ओके यहाँ से देखो 14.6 सेकेंड तक आपको एक इमेज का लेंथ इस प्रकार से रखना है। ओके, इसको इस प्रकार से यहाँ पे एक लेंथ रखना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ से फिर से जो आपको जो बीट स्टार्ट होगा यहाँ से आपको इसको भी जीरो कर देना है। ओके, जितना भी इमेज रहेगा आपको, तो इसी प्रकार से आपको अपनी बीट के हिसाब से आपको करते रहना है गाइस, ताकि आपको जो वीडियो पूरा परफेक्ट बन पाए। वैसे तो गाइस मैंने यहाँ पे 15 सेकेंड तक मतलब कर दिया है, 15 सेकेंड तक, अब अगर आगे करूँगा तो आगे भी सॉन्ग है लेकिन उतना करूँगा नहीं, उतना आप देख लेना सॉन्ग के हिसाब से ऐसे इसी प्रकार से आगे कर लेना। ओके, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब गाइस क्या करना, जो हमारा पहला इमेज रहेगा इसमें क्लिप ग्राफ्स यूज़ कर लेना आपको इस प्रकार से, कॉल मी डीजे को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो क्लिप ग्राफ्स जो है ना उसका जो लेंथ इस प्रकार से घटा के शुरू में कर देना। ओके, इससे ये होगा जो हमारे जो इसमें इस प्रकार से इफेक्ट आएगा, देखो है ना, देखो तो इस प्रकार से आपको करना है, ये जो है ना मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो लेंथ आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो क्लिप ग्राफिक्स का, तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा शुरू में रख देना। ओके, अब गाइस क्या करेंगे हम इसमें जो ट्रांसफर ऐड कर लेंगे। ओके, ट्रांसफर को आप गेटबोर्ड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, अपने इंटरनेट को ऑन कर लेना फिर आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस देखो कुछ देर वेट करने बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, और ये जो काइन मास्टर है मतलब बहुत ही ज़्यादा वक्त मतलब टाइम ले लेता है इसको ओपन करने, मुझे नहीं पता कैसे क्यों इसका क्या रीज़न है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम ये ले लेता है। ओके, अब इसे एक्शन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी थोड़ा ये टाइम ले लेगा। ओके, तो आपको डाउनलोड करना है एक्शन से ही डाउनलोड करना है, और कौन कौन सा ट्रांसफर डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रांसफर आ रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफर आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने हमको बहुत मत सारा ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी एक ही ट्रांसफर का, जिसका नाम यहाँ पे देखो ये लिखा है विनर स्प्लेस करके। अब यहाँ पे इनिस्टेल का ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा वेट करके अगर देखोगे तो इनिस्टेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप इनिस्टेल कर सकते हो, ये लिखा हुआ है विनर स्प्लेस, तो यहाँ पे देखो एक्शन से विनर स्प्लेस ऊपर में मिल जाएगा आपको, इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, अब इसको इस प्रकार से एड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा इस प्रकार से मैंने इसको एड कर लिया। ओके, अब देखो इस प्रकार से हो गया। अब गाइस क्या करना है, अपने जो इमेज का लेंथ है इस प्रकार से थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि जैसे आप ट्रांसफर एड करोगे ना तो आपका जो इमेज का लेंथ रहता है वो घट जाता है। ओके, तो क्या करेंगे इसका लेंथ बढ़ा के बीट पर लेके आ जाएंगे। ओके, इस प्रकार से आप देख लेना और बीट पे लेके आ जाना है इसको, तो मैं थोड़ा घटा देता हूँ, हो सकता है इधर उधर हो जाएगा इस, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा हूँ ना, इसलिए मैं सिर्फ ईट कर रहा हूँ, और इसमें भी इस प्रकार से इसको ईट कर लेना। ओके, वही वाला ट्रांसन को मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से, तो इसका स्पीड थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज का लेंथ बहुत कम है, तो इमेज का लेंथ मैंने बढ़ा दिया और इसका स्पीड मैं थोड़ा अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँगा। ओके, अब मैंने इसका स्पीड इस प्रकार कर दिया, फिर इसका जो लेंथ बढ़ा के इस बीट पे ले गए आ जाएंगे हम। ओके, यहाँ देखो जहाँ पे बीट पे नहीं है वहाँ पे हमें बीट पे आ जाना है। अब ऐसे करना है, इसमें हम क्लिप ग्राफ्स में जाना है और कॉल मी डीजे जाना है, इस प्रकार से लेना है, और लेने के बाद इसको क्या करना है, शुरू कर देंगे हम इस प्रकार से। ओके,
तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप इसको एड करते हो तो। अब गाइस क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे ये स्वीटली, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मतलब ये जो आप देख रहे हो ये सब क्लिप हुआ फिर आप डाउनलोड कर सकते हो बीट्स इन ऐप से। आप डाउनलोड करना नहीं आता तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉल में डीजे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से इसको ऐड कर लेना है और लेन इस प्रकार से घटा देना है। देखो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, मैंने यहाँ पे लेन घटा दिया है। तो इस सब में अगर आप डाउनलोड मतलब ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से देखो मैंने थोड़ा इसमें भी ऐड कर लिया है और इसमें भी मैं एक ऐड कर लेता हूँ। तो आपको सेम टू सेम इस प्रकार से ऐड कर लेना है ताकि आपका वीडियो में एक अलग लुक आए। ओके, तो मैंने कुछ में ऐड किया है, कुछ में नहीं ऐड किया है। अब बस आपको क्या करना है, तो गाइस फिर आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, एफएस पे क्लिक करना है और गेट मोड पे क्लिक करना है। ओके, अब गेट मोड पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहीं से कहीं से आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉइज़ करके, तो जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वेट करके। तो गाइस यहाँ पे आपको लेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी गाइस क्या कहाँ पे होगा, लेंस में है ना बिगिनर करके, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको इस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर लेना है और यहाँ से डन करना है। इसका साइज़ इस प्रकार से बढ़ा देना है, आपको सेटिंग में जाना है, इसको थोड़ा घटा देना है और इसको भी थोड़ा घटा देना है। ओके, और इसका जो लेंथ है एंटर कर देना है आपको यहाँ से, तो ये देखो थोड़ा लेंथ कर देना है। तो मैंने इसको थोड़ा इधर एडिट नहीं किया तो उसको इग्नोर करो, तो थोड़ा सा और भी मैं सेटिंग छेड़छाड़ कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, देन आपको ये वाला जो है लाइट फेयर वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि न्यू लाइट फेयर वीडियो है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें जो कोई ऑडियो होगा ना उसको म्यूट कर देना आप। ओके, आप गाइस ऑडियो म्यूट करने के बाद इसका डन करना है और साइज़ को इस प्रकार से बढ़ा देना है, इस प्रकार जितना बढ़ा सकते हो इस प्रकार से बढ़ा देना है और ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है इसको। ओके, तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीन कर देना, ओ सॉरी गाइस, तो ये हमारा स्क्रीन हो चुका है। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से ये दूसरा लाइट फेयर वीडियो को ऐड कर लेना है। इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में फाइल करके मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, बस आप क्रोम ब्राउज़र यूज करना फिर आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके, फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। और गाइस कुछ दिन के बाद मैं अपना वेबसाइट से लिंक डालूंगा, वहाँ से आपको बिल्कुल भी आसानी होगी मटेरियल फाइल डाउनलोड करने में, क्योंकि मैं वहाँ से जो दूंगा एक एक करके दूंगा, अलग अलग दूंगा, अलग अलग फाइल का लिंक अलग अलग करके दूंगा, तो थोड़ा आसानी होगी उससे डाउनलोड करने में आपको। ओके, तो गाइस वीडियो में हमारे जो बनकर तैयार हो चुकी है। ओके गाइस, सो फाइनली मैं वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, थोड़ा पहले अगर आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार बनी है। तो यार देखो वीडियो जैसा भी बनी है बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, और इधर इधर हो गया तो आपने हिसाब से अच्छे से एडिट कर लेना, फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपनी क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस मेरे को कोई बंदा बोल रहा था कि आप सेम ही वीडियो डालते हो बार बार, यार सेम वीडियो डालता नहीं हूँ, मतलब कुछ तो यूनिक करता हूँ यार, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, कंटेंट ढूंढने में इतना दिक्कत होती है ना क्या बताऊँ, मतलब होती है दिक्कत यार, तो थोड़ा से यार सहन कर लो। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लाइक बेल आइकन जो दबा देना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।